विनय गोयल जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। रितु खंडूरी जी बहुत ही गंभीरता से अपनी बात रख रही हैं, बयान दे रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में नए जिलों की जरूरत तो ऐसे चार नहीं बल्कि चार से ज्यादा है, तो क्या लग रहा है कि चार जिले इस बार मिल जाएंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से छोटी प्रशासनिक इकाइयों के पक्ष में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिला। अब ये जो विषय नए जिलों का है, ये समय समय पर इसके बारे में चर्चा हुई है, मांग उठी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इसकी मांग की है, कांग्रेस के लोगों ने भी मांग की है, कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय पर इस पर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी प्रयास किया। जो मेरी अद्यतन जानकारी है उसके अनुसार जो राजस्व परिषद के पास एक जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी, तो ही उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चर्चा करके इस विषय में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन विनायक गोयल जी, ऐसा नहीं कि कोई ये नया मसला है, 2011 में भी है ना आपकी पार्टी की सरकार के दरमियान ही इस फैसले पर आने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई थी, शासनादेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन बजट ही तैयार नहीं था। इतनी हीला हवाली क्यों होती रही? अगर आप लोग चाहते तो बहुत पहले चीजें हो गई होती है ना। 20-21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, लेकिन अभी भी किसी तरह की कोई गंभीरता संजीदगी दिखती नहीं है। बस इस पर राजनीति सियासत खूब होती है, लेकिन प्रदेश को जरूरत है चार पाँच से छः, कम से कम चार जिलों की तो जरूरत है। इस पर गंभीरता से ज्यादा है जमीन पर चीजें दिखे ना विनय गोयल जी? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि बिल्कुल इसके लिए प्रयास हुए थे और उसके बाद जो राजस्व परिषद की जो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार के समय पे ये मामला राजस्व परिषद में चला गया, राजस्व परिषद की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी।